कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहाँ तक जाएंगे मैं कहने आया। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। बीजेपी का आरोप, कांग्रेस की सरकार लूट लेगी लोगों का सोना। कांग्रेस का दावा, जंग में इंदिरा गांधी ने दान किया था अपना सोना। लोकसभा चुनाव में हिंदू, मुस्लिम और मंगलसूत्र की एंट्री हो गई है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने मंगलसूत्र को लेकर एक बयान दिया था। पीएम ने कहा था कि विपक्ष सत्ता में आया तो माँ बहनों के मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों में बांट देगा। सबसे पहले आप वो बयान सुनिए। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? वहीं अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्हें घेरा है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, कांग्रेस की सरकार में क्या कभी किसी ने आपका मंगलसूत्र छीना है? मेरी माँ सोनिया गांधी का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हो चुका है और बीजेपी वाले महिलाओं के संघर्ष को नहीं समझते हैं। अगर पीएम नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो ऐसी अनैतिक बात नहीं करते। सुनिए कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले दो दिनों में। अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। सवाल यह है कि क्या सच में इंदिरा गांधी ने इस जंग में अपना और अपने परिवार के लोगों का सोना दान किया था? तो वो साल था 1962, जब भारत में त्राही त्राही मच गई थी। हिंदी चीनी भाई भाई से लोगों का भरोसा टूट गया था। चीन ने भारत को अपना असली चेहरा दिखाया था, भाई के नाम को उसने कलंकित कर दिया था। आजादी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी पर पहली बार सवाल खड़े हो गए थे। उनकी छवि को गहरा झटका लगा था। भारत को तब चीन के सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। साल 1962 में इंडिया चाइना वॉर के साथ जंग के घाव इतने गहरे थे जिन्हें भुला पाना बहुत मुश्किल है। और उस समय चीनियों को सबक सिखाने के लिए सेना में भर्ती होने वाले वॉलेंटियरों की होड़ लग गई। महिलाओं ने भी राइफल चलाने का परीक्षण किया। बॉलीवुड भी पीछे नहीं था। अभिनेता दिलीप कुमार, राज कपूर और मीना कुमारी ने भी 50-50 हजार रुपए दान में दिए। तब महिला धन दान करने की शुरुआत इंदिरा गांधी ने की। उस साल 2 नवंबर को अखबारों में रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इंदिरा ने 336 ग्राम सोना राष्ट्रीय रक्षा कोष में दे दिया था। उस समय की एक तस्वीर भी काफी चर्चा में रही थी, जिसमें इंदिरा गांधी अपने गहने जमा कराती दिखती हैं। टेबल पर चेन और चूड़ियां दिखाई देती हैं। तो कुल मिलाकर ये बात सच है कि 1962 के जंग में इंदिरा गांधी अपना और अपने परिवार के लोगों का सोना देश के लिए दान दिया था, और उन्हें देख बाकी के और लोगों ने भी देश की मदद के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाया था।